सीक्रेट सोसाइटी हमेशा से एडवांस सिविलाइजेशन का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा रही है। इल्यूमिनाटी जैसे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप ऑलरेडी जानते होंगे, लेकिन आपने कभी सुना है इंडियन सीक्रेट सोसाइटी के बारे में? जी हाँ, इंडिया का अपना प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है दी नाइन अननोन मैन, जो एक सीक्रेट क्लब है जिसकी स्थापना सम्राट अशोक ने 270 BC एरा में की थी, जो ना केवल इल्यूमिनाटी से पुरानी, इंडिया की पुरानी और दुनिया की सबसे पुरानी सीक्रेट सोसाइटी है। लेकिन अगर ये है तो लोग इसके बारे में जानते क्यों नहीं है? इसके पीछे है एक वजह। सम्राट अशोक ने अपने 9 सोल्जर्स को कॉन्फिडेंशियल रहने का ऑर्डर दिया था, जिस वजह से हम लोगों को इस बारे में पता नहीं है। ऐसा माना जाता है कि इंडियन सीक्रेट सोसाइटी काफी जनरेशन से चली आ रही है और जो शायद आज भी मौजूद है, लेकिन ये 9 लोग कौन थे, इस बारे में ये पहेली अभी भी बनी हुई है। तो चलिए जानते हैं थोड़ा डिटेल में क्या है इंडियन सीक्रेट सोसाइटी और कहाँ से इसकी शुरुआत हुई। सो हेलो गाइस, मैं हूँ तेजस्वी, स्वागत है आपका AGSKI 360 के एक खास वीडियो में, जो है इंडियन सीक्रेट सोसाइटी के बारे में। फर्स्ट इंडियन सीक्रेट सोसाइटी को शुरू किया गया मौर्य साम्राज्य में, जिसे सम्राट अशोक ने 2000 साल पहले शुरू किया था, यानी 304 से 232 BC एरा के आसपास। लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल ये है कि द अननोन मैन, एक सीक्रेट सोसाइटी की शुरुआत क्यों की गई? जब तक सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण नहीं किया था, तब तक वो एक क्रूर नेता के रूप में जाने जाते थे, और बाद में उन्होंने 1,00,000 मौतों की कीमत पर कलिंग युद्ध जीता था, जिस भयानक वध की वजह से उन्होंने अपने आप को बौद्ध में बदल दिया, और इसके बाद उन्होंने अपना जीवन शांति और ज्ञान की खोज के लिए समर्पित कर दिया। सम्राट अशोक ने महसूस किया कि प्राचीन भारत में अथाह नॉलेज है, और ये नॉलेज ही पावर है, और इस पावर को बनाए रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन करना चाहिए और उसे प्रिजर्व करना चाहिए, ताकि उसे महान कार्यों के लिए बाद में यूज किया जा सके। और उनका ऐसा भी मानना था कि ये पावरफुल आइडिया किसी गलत हाथों में ना जाए, वरना वो भयानक साबित हो सकता है। इसलिए सम्राट अशोक ने द नाइन अननोन मैन को सीक्रेटली फॉर्म किया था। इस ग्रुप को इस तरीके से बनाया गया था कि अगर 9 मेंबर्स में से किसी भी एक मेंबर की अचानक मृत्यु हो जाए या बीमारी से वो जगह खाली रह जाए, तो वो जगह खाली ना रहे, बल्कि एक वर्थ मेंबर को उसके सक्सेसर के रूप में चुना जाए। इन 9 मेंबर्स को उनके फील्ड्स में नए नए रिसर्च करने और उनकी बुक को फिल करते रहने की जिम्मेदारी दी गई थी, और ये एक लाइफ लॉन्ग मिशन दिया गया था। और कहा जाता है कि इन 9 फील्ड्स में वो सब शामिल था जो एक शक्तिशाली राजा को सर्वशक्तिशाली राजा बना सकता है। मतलब इसमें मिस्टीरियस, कॉन्ट्रोवर्शियल और तो और बैन सब्जेक्ट्स भी शामिल थे। कैसे, बताती हूँ। तो पहली बुक है कम्युनिकेशन के मेथड्स की, जिसमें कम्युनिकेशन के डिफरेंट मेथड्स लिखे गए हैं। इनफैक्ट इसमें टेरेस्ट्रियल और एलियन से कैसे कम्युनिकेट किया जाए, उसके मेथड्स लिखे गए हैं। यानी द नाइन अननोन मैन को एलियंस के बारे में जानकारी थी। द नाइन अननोन मैन की लिखी बुक वैमानिका शास्त्र में एरोडायनेमिक्स, स्पेस ट्रैवल, ग्रेविटी के बारे में कई रहस्य पाए गए हैं, और कई हाइपोथेसिस ने ये भी सर्कुलेट किया है कि प्राचीन भारत में हवाई जहाज होते थे जिनसे आप स्पेस में ट्रैवल कर सकते थे, जैसा कि हमने रामायण और महाभारत में देखा भी है। इसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी की बुक में और कॉस्मोलॉजी की बुक में यूनिवर्स के बारे में काफ़ी सारी रिसर्च लिखी गई हैं, और इसके अलावा प्रोपोगेंडा की बुक में प्रोपोगेंडा कैसे आप किसी माइंड को बहुत ज़्यादा डाइवर्ट कर सकते हो या फिर उसको डोमिनेट कर सकते हो, इन सब के बारे में काफ़ी डिटेल्स लिखी गई थी। अब आगे बढ़ते हैं, तो जो नेक्स्ट बुक है वो है अल्काइमी, जिसमें मेटल्स को पिघलाकर कैसे शस्त्र बनाया जाए की डिटेल्स लिखी हुई थी, और इसके अलावा नेक्स्ट जो बुक है वो है लाइट, यानी लाइट स्पीड को कैसे एज अ वेपन यूटिलाइज किया जा सकता है। सोशियोलॉजी की बुक में आप यकीन नहीं मानोगे कैसे किसी सोसाइटी के प्रोग्रेस को बढ़ाया जा सकता है और किसी सोसाइटी के कंप्लीट डिस्ट्रक्शन करने जैसे खतरनाक आइडियाज लिखे गए थे। और अब नंबर आ चुका है बैन सब्जेक्ट का, यानी फिजियोलॉजी में टच ऑफ डेथ जैसे सब्जेक्ट शामिल थे, यानी किसी को सिर्फ टच करने से आप उसका मर्डर कर सकते हो, यानी उसके नर्व को इम्पल्स करके रिवर्स करके कैसे उसका मर्डर किया जाए, ऐसे खतरनाक तरीके लिखे गए थे फिजियोलॉजी की बुक में। और माना जाता है कि इसी बुक के लीक होने से जूडो मार्शल आर्ट का जन्म हुआ था। अब कई लोग इन 9 बुक्स के होने के बावजूद, यानी प्रूफ होने के बावजूद, इसे सिर्फ एक मिथ करार देते हैं, लेकिन मैं चाहूंगी ऐसे में हम सबको एक फैक्ट पर जरूर ध्यान देना चाहिए। 1923 में टैलबोट मुंडी ने, जो एक इंग्लिश राइटर है, उन्होंने एक बुक पब्लिश की थी द नाइन अननोन मैन के नाम से, जो अशोका के द नाइन अननोन मैन के बारे में पूरी डिटेल्स देती है।
इसके अलावा भी दो ऐसी बुक्स हैं जो हमारे इंडिया के सबसे पुराने सीक्रेट सोसाइटी के बारे में काफ़ी डिटेल्स देती हैं। 2013 में आई क्रिस्टोफर सी डोयले की बुक महाभारत सीक्रेट्स, जो इंडिया की सबसे पुरानी सीक्रेट सोसाइटी के बारे में काफ़ी डिटेल्स देती है। और इसके अलावा भी 2015 में स्वपन सक्सेना की बुक यानी फाइंडर्स और कीपर्स हमें सीक्रेट सोसाइटी के बारे में काफ़ी डिटेल्स देती है। फर्स्ट फ्रेंच पोप सिल्वेस्टर सेकंड के बारे में भी कहा जाता है कि जब वो इंडिया से वापस गए थे तो उनके पास एक ऐसी डॉल थी जो किसी भी सवाल का जवाब हाँ या ना में देती थी, यानी एक टॉकिंग स्कल जो बाइनरी सिस्टम का यूज करके जवाब देती थी, यानी ये इंडिया का पहला AI यूज का एग्जाम्पल हो सकता है जो कहा जाता है कि पॉप ने द 9 अननोन मैन से सीखा था जब वो इंडिया में विजिट कर रहे थे। ऐसा माना जाता है कि द 9 अननोन मैन की बुक में साइकोलॉजिकल वॉर के बारे में प्रिसाइज इंस्ट्रक्शंस हैं, जिसका यूज किया जा सकता है पब्लिक के खिलाफ में। और ऐसा भी माना जाता है कि अगर ये इंफॉर्मेशन किसी के हाथ लग गए तो पूरी दुनिया को डोमिनेट करने में ये इंफॉर्मेशन उसे हेल्प कर सकते हैं। कहा जाता है हिटलर, जो पूरी दुनिया को जीतना चाहता था, इन मैनुस्क्रिप्ट से बहुत ही ज्यादा मोहित हो गया और इसीलिए उसने कई बार से ये ज्ञान निकलवाने के प्रयास किए। लेकिन दूसरी ओर आपको ये मानना पड़ेगा कि अगर ये 9 अननोन मैन सच में हैं, तो वो आखिरकार कहाँ पे हैं? और अगर सम्राट अशोक ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी द 9 अननोन मैन को दी, तो कहीं ना कहीं ये उचित भी लगती है, क्योंकि आज तक किसी को पता ही नहीं कि ये द 9 अननोन मैन है कहाँ, वो इतने सीक्रेटली रह रहे हैं। दूसरी ओर ये बिलीव करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि 2000 साल से कोई एंशियंट ट्राइब कैसे छिप कर रह सकती है जिनके बारे में आज तक किसी को पता ही नहीं है। सबसे दिलचस्प बात, कहा जा रहा है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन और न्यूटन और तो और हमारे अपने APJ अब्दुल कलाम, विक्रम साराभाई भी इस सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर हो सकते हैं। चौंकिए मत, क्योंकि ये छुपकर ही अपना काम करते थे, सीक्रेटली काम करते थे, और जब भी साइंस की प्रोग्रेस या किसी ह्यूमन नीड की जरूरत होती थी तब ये अपने इन्फॉर्मेशन को लीक किया करते थे। लेकिन आखिर में मैं फिर यही कहूंगी कि ये अफवाहें हैं या सच हैं कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अगर ये 9 अननोन मैन अभी भी हैं, तो वो अब कहाँ हैं? चांद और गायब क्यों हैं? आपको क्या लगता है, अल्बर्ट आइंस्टाइन और APJ अब्दुल कलाम के अलावा और कौन इस सीक्रेट सोसाइटी का हिस्सा हो सकता है? जैसा कि मुझे लगता है कि स्वामी विवेकानंद हो सकते हैं, क्योंकि उनकी छवि काफी शांत और जबकि वो नॉलेज के अथाह से संपूर्ण थे। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, और ज्यादा डिटेल्ड जानकारी चाहिए इंडियन सीक्रेट सोसाइटी के बारे में तो वीडियो में मेंशन किए गए बुक्स भी आप पढ़ सकते हो। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।